हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट एंड लाइफ। मैं हूं हिमांशी और एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है नागिन फोर। जी हाँ, आप नागिन फोर का नाम सुन के ही थोड़े से हैरान हो गए होंगे। तो आपको बता दें कि जैसे हमने ढेर सारे प्रोग्राम करे हैं नागिन थ्री पे, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि नागिन फोर में अगर किसी को लेना है तो वो सुरभि ज्योति और पल्लवी पुरी को ले। जी हाँ, मेन लीड में इन दोनों को एक बार फिर से देखना चाहते हैं ये लोग। जैसा आप सभी जानते हैं कि नागिन थ्री इन दिनों कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है और काफ़ी शानदार चल रहा है। तो वही बता दें कि प्रोग्राम में कल हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें लोगों ने कमेंट्स करे हैं ढेर सारे, और इन कमेंट्स में बहुत ही अलग अलग तरीके से लोगों ने अपनी राय बताई है, लोगों ने अपनी मन की बातें बताई हैं, तो वो हम आप तक पहुँचाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक सबसे खास बात तो ये है कि पल्लवी पुरी और सुरभि ज्योति को बहुत ही प्यारा नाम मिल चुका है जो है बाहिर। जी हाँ, बाहिर के नाम से इन दोनों को नाम दे दिया गया है और बेहद ही प्यारा नाम लग रहा है ये कहा जाए तो। नेक्स्ट है, काफ़ी खान ने लिखा है प्लीज़ नागिन फोर में पल्लवी पुरी और सुरभि ज्योति को ही ले और मुझे शो नहीं देखना है अगर इनको नहीं लिया गया। तो देखिए किस तरीके से जो दर्शक हैं वो अपनी डिमांड बता रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम भी हमारा इसी पर ही है कि नागिन फोर में इन दोनों को ही लेने की डिमांड कर रहे हैं दर्शक। आखिर ऐसा क्यों है कि नागिन फोर में अगर नागिन फोर आएगा तो उसमें पल्लवी पुरी और सुरभि ज्योति को देखना चाहते हैं? कहीं ना कहीं इन सब के पीछे जो है व्यूवर्स की राय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कमेंट्स के ज़रिए हमें बताते हैं कि जैसे किसी अमित ने लिखा है, अमित कुमार है नाम है उनका, उन्होंने लिखा है भाई हम चाहते हैं कि रियल में दोनों एक हो जाए। आप चाहते हैं रियल में दोनों एक हो जाए, शायद इसीलिए आप सभी लोग डिमांड कर रहे हैं नागिन फोर में पल्लवी पुरी और सुरभि ज्योति को लिया जाए। पर आखिर इसके पीछे की सिर्फ यही वजह है कि दोनों साथ में अच्छे लगते हैं ऑन स्क्रीन, इसलिए आप देखना चाहते हैं नागिन फोर में इन दिनों को, या फिर कोई और भी वजह है? उसके लिए हम नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। आपको बता दें कि पूनम नंदा ने लिखा है पल एंड सुरभि इज ओनली ऑन स्क्रीन जोड़ी जो रियल लाइफ में बेस्ट लग सकते हैं। साथ साथ बता दें आपको, अनामिका है उन्होंने लिखा है माहिर एंड बेला बहुत ही वंडरफुल कपल हैं और दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। यानी कि आप इस कमेंट से देख सकते हैं कि केमिस्ट्री के मामले में दोनों ने रिकॉर्ड ही तोड़ डाले हैं और सभी ने अपना प्यार इसी तरीके से जाहिर करा है, लव यू बोलकर या फिर ये बोल के कि नागिन फोर में इन दोनों को लेना चाहिए। नागिन फोर की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिलहाल जो नागिन थ्री का चल रहा है, जिस तरीके इसमें उनमें नए नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, नए नए उसमें जितने भी स्टार कास्ट हैं, जितने भी उसमें लोग काम कर रहे हैं, सबसे खास बात तो ये है कि सभी लोग बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खुद को ऑन स्क्रीन पर पेश करते हैं। और सिर्फ पल्लवी पुरी और सुरभि ज्योति ही नहीं बल्कि सारे स्टार कास्ट जो हैं वो मिलकर एक शो को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये सभी जानते हैं कि सिर्फ एक अकेला या फिर दो अकेले बंदे पूरे शो को नहीं चला सकते हैं। जी हाँ, सभी लोग मिलकर जब काम करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, अपने लुक्स पर, अपनी एक्टिंग पर ध्यान देते हैं, तो ही वो शो जो है टीआरपी किंग बन पाता है। और वो आज हम देख पा रहे हैं कि नागिन थ्री किस तरीके से यूनाइट होकर, किस तरीके से एक ट्विस्ट एंड टर्न की हम बात करते हैं, तो वो सुरभि ज्योति और पल्लवी पुरी बखूबी तरीके से ऑन स्क्रीन पेश कर पा रहे हैं। और एज मेन लीड अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ दोनों पूरी करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब टीआरपी के मामले में, नागिन थ्री जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, सभी जानते हैं कि कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होता है, फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 12 चल रहा है ये, लेकिन कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ दिख रहा है बिग बॉस 12। वो इसलिए क्योंकि कलर्स टीवी पर एक ऐसा शो आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। जी हाँ, सुपर नेचुरल शो, इसमें ऐसी ऐसी पावर्स दिखाई गई हैं और इस तरीके से अगर कोई शो आता है जिसमें इतनी सुपर नेचुरल चीज़ें दिखाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं दर्शक देखना चाहते हैं उस चीज़ को। और इसीलिए तो अगर एक शो नागिन 1, 2, 3 चल रहा है और 4 की डिमांड भी इतनी जल्दी आ गई हमें कमेंट्स के ज़रिए कि देख लीजिए कितना प्यार करते हैं दर्शक इस शो से। वहीं आपको बता दें कि एकता कपूर एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर हैं, और जिस तरीके से उन्होंने समझदारी से, और उनकी समझदारी पे तो कोई शक ही नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने स्टार कास्ट को शाइन कर रखा है, मेन लीड में किसको लेना है, उनके अपोजिट किसको लेना है, कौन क्या रोल अच्छे तरीके से निभा पाता है, ये एकता कपूर बहुत अच्छे से जानती हैं। और कहीं ना कहीं अगर नागिन फोर आएगा,
जैसा आप जानते हैं कि अगर नागिन फोर आता है तो उसमें भी एकता कपूर जो है बहुत ही सूझबूझ के साथ स्टारकास्ट को चूज करेगी, और अगर चूज करने की बात आती है तो एकता कपूर बहुत ही समझदारी से चूज करती हैं कि कौन किसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं नागिन फोर में अगर स्टारकास्ट लिए जाएंगे तो किस तरीके से लिए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूवर्स की पसंद एकता कपूर अच्छे से जानती है, और इन दिनों जिस तरीके से पल्लवी पूरी और सुरभि ज्योति हर जगह छाए हुए हैं, हर एक की दिलों की धड़कन बन चुके हैं, जैसे हमने आपको बताया है कि फैंस की धड़कन तो बन ही चुके हैं दोनों, साथ ही साथ अगर व्यूवर्स की पहली पसंद ये बन चुके हैं तो कहीं ना कहीं सबको देखना पड़ेगा कि भाई अगर नागिन फोर आता है तो उसमें कैसे कैसे लिया जाए। अगर सुरभि ज्योति और पल्लवी पूरी नहीं होंगे नागिन फोर में तो कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जब नागिन फोर आएगा तब कितना फर्क पड़ेगा। वैसे तो फिलहाल नागिन थ्री बहुत अच्छा चल रहा है और सुरभि ज्योति पल्लवी पूरी के प्यार की चर्चा हर जगह ही हो रही है आजकल। चलिए हम नेक्स्ट कमेंट भी पढ़ लेते हैं। अब किसी ने बेला विशाखा, वाओ, किसी ने बेला के नाम से इतनी, देख सकते हैं आप कितनी दीवानगी है लोगों के मतलब सर पे, कि मतलब अलग अलग नाम से लोग कमेंट करते हैं, उन्हीं के नाम से पेज बना लेते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप देखते हैं कि उनके नाम से फैन पेज होता है और अलग अलग तरीके से उनके नाम से कमेंट्स भी करते हैं। जैसे बेला विशाखा है, उन्होंने कमेंट किया है, सच में दोनों की जोड़ी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे भी हैं, आई होप कि ये रियल लाइफ में भी कपल बन जाएं जल्द से जल्द। वहीं आपको बता दें कि नेक्स्ट है मोशिन खान। आप देख सकते हैं किस तरीके से जब हम स्टारकास्ट के नाम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नाम खुद से जोड़ लेते हैं और लिंक करके हमें कमेंट्स भी करते हैं, ऐसे ये बेस्ट जोड़ी बोला है किसी ने, बहुत सारे कमेंट्स करे हैं, बहुत ही खुशी जाहिर करते हैं सब लोग अपने कमेंट्स के जरिए लव यू बोल के, और अब तो उनकी पिक्चर्स भी यूज़ करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि नाम तो यूज़ करते ही करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो इमेजेस होती है उनको लगाकर भी वो अपना प्यार किस तरीके से करते हैं, अपने फेवरेट स्टारकास्ट को किस तरीके से वो प्यार करते हैं वो उन फोटोज़ के ज़रिए भी जाहिर करते हैं, और जो कि अच्छी बात भी है। अगर आप किसी के दीवाने हैं, किसी के फ़ैन हैं, अगर आप वो फ़ोटो नहीं लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भाई उससे पीछे हो रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट हम पढ़ लेते हैं, बह जोड़ी इज़ द बेस्ट, दोनों की जो कपल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आपको बता दें कि बहुत ही क्यूट लगते हैं दोनों साथ में, निखिल ने लिखा है बहुत क्यूट लगते हैं साथ में, पूजा कुमारी बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं दोनों को, साथ ही साथ लिखा है भारत कुमार ने लवली कपल, रियल लाइफ में साथ में हो जाए, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि रियल लाइफ में एक साथ हो जाए। भाई रियल लाइफ में एक साथ हो ना हो, लेकिन जिस तरीके की आपकी डिमांड्स आ रही हैं कि नागिन फोर में एक साथ हो, उस पर ज़रूर एकता कपूर या फिर जो भी आगे आने वाला है उस पर ज़रूर गौर करने वाली हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से डिमांड्स अपनी रखते जाएंगे तो भाई सबको सोचना ही पड़ेगा कि आखिर क्या बात है दोनों में कि इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। वेल, सबसे ज़रूरी होती है केमिस्ट्री, अगर आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री व्यूवर्स के दिल को छू रही है, आप जिस तरीके से रोमांस करते हैं ऑन स्क्रीन, आप जिस तरीके से लड़ाई करते हैं, छोटी मोटी जो नोकझोंक होती है वो दर्शकों को पसंद आती है, तो इसीलिए तो वो चाहते हैं कि नागिन फोर में भी भाई हमें यही दोनों देखने को मिलें, क्योंकि हम फिर से वो केमिस्ट्री किसी और के साथ, अगर हम बात कर लेते हैं जैसे कि सुरभि ज्योति तो ले लिया नागिन फोर में, लेकिन उनके अपोजिट किसी और को ले लिया तो भाई वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमें जो कमेंट्स मिलते हैं वो पल्लवी पूरी और सुरभि ज्योति को साथ में देखने को मिलते हैं, ना कि अलग अलग। तो अगर नागिन फोर में पल्लवी पूरी के साथ किसी और को ले लिया, किसी और एक्ट्रेस को ले लिया, तब भी वो मज़ा नहीं आएगा, अगर सुरभि ज्योति किसी और के साथ ले लिया तब भी वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से कमेंट्स हमें उनके व्यूवर्स देखते हैं तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सुरभि ज्योति और पल्लवी पूरी साथ में रहें। एक और कमेंट भेजा है किसी ने, शिवांगी सावंत है, और मुझे लगता है उन्होंने लिखा ऐसा, मुझे लगता है कि नागिन फोर में भी इन्हीं जोड़ी को होना चाहिए। तो सबको लगता है, सब यही चाहते हैं और सब यही डिमांड भी कर रहे हैं कि सुरभि ज्योति और पल्लवी पूरी को एक साथ देखने को मिले उन्हें नागिन फोर में। नागिन फोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, पर फिलहाल तो आपको बता दें कि नागिन थ्री ही चल रहा है और बड़ी तेज़ी से चल रहा है, जिस तरीके से वो TRP गेन कर रहा है, जिस तरीके से सुरभि ज्योति पल्लवी पूरी ने इस शो को बहुत ही हाई लेवल तक पहुंचा दिया है, साथ ही साथ अनीता हसनंदानी, रेड टोकर, सभी लोग बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सब इस शो को आगे बढ़ाने में सबका उतना ही हाथ है जितना इन दोनों का है। लेकिन
हम तो यही चाहेंगे कि 9-4 में भी इंस्टाकास्ट को जरूर लेने की एक बार तो एक तरह पूर्व सोचे ही, क्योंकि जितने डिमांड्स आ रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि 9-4 में पल्लवी पुरी सुरभि ज्योति को मेन लीड में वो लोग देखना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम था कि 9-4 में इन दोनों को ही देखना चाहते हैं दर्शक, यानी कि व्यूअर्स, फैन की डिमांड बन चुके हैं ये दोनों। फैंस चाहते हैं कि दोनों साथ में दिखे, कभी अलग ना हो, रियल लाइफ में भी एक साथ देखने को मिले, डेट करें एक दूसरे को। ऐसी तमाम सारी बातें हमें कमेंट्स के जरिए आप लोग बताते रहते हैं और हम चाहते हैं कि आपके कमेंट्स कभी कम ना पड़े। इसी तरीके से आप अपना प्यार अपने जो फैंस हैं उनको तो दें ही, साथ ही साथ हमें भी दें और अपने कमेंट्स करना कभी मत भूलेगा। तो आज का प्रोग्राम था हमारा इसी पर, 9-4 के ऊपर, लेकिन हम फिर से हाजिर होंगे इसी ऐसे ही खास प्रोग्राम्स के साथ। लेकिन आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही खास प्रोग्राम के साथ। आज के लिए बस इतना ही।